मेरी YouTube फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं जंगल में, हमारे घर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। आज हम लोग आप लोगों को व्यू दिखाएंगे जंगल का, उसमें क्या क्या कैसे क्या है, क्या क्या रहते हैं। और इंट्रो कराते अपने छोटू दादा से, आइए इंट्रो कराते हैं। फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग से उनसे इंट्रो नहीं कराया था, लेकिन इस ब्लॉग में हम आप लोगों से इंट्रो कराएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गोलू, सभी मुझे गांव वाले कहते हैं छोटू दादा। और हम आज आए हैं विशाल जी के साथ जंगलों में घूमने के लिए। हम लोग चलते हैं जंगलों का सैर करा। यहाँ आइए दोस्तों, जंगलों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ढेर सारे सियार और मोर, पक्षी, बंदर, लोमड़ी तक रहते हैं। Oh my God! Wow! तो हम बताओ तनी कि सारा जंगल में घुसे थे और कहाँ चल जाये हमारा भी नहीं थे मालूम, और मोर पक्षियों का वीडियो बनाए उठाते। दोस्तों जैसे दिखा देता हूँ, आज का मौसम भी बहुत गंभीर है। देखिए पर चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रहा है। हम लोग जिस जगह फंसे हुए हैं वहाँ बारिश नहीं हो रहा, लेकिन संभावना बारिश का है कि बारिश बहुत जबरदस्त होगा। देखिए एकदम काला बादल है और डर लग रहा है कि बदरा कहीं फट कर गिर न जाए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। देखिए अभी इसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। ये छोटू दादा चल रहे हैं मेरे शेरों के शेर। देखिए दोस्त हमारी जो टीम है वो आ रही है। देखिएगा छोटू दादा आगे दलदल है, बच कर चलिएगा आप। बोल देखिए हम लोग का मोर और पक्षियों रहते हैं। दोस्तों आज हमारे छोटू दादा मौसम को देख के अपना भी मौसम बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं मैं भी कोयल का आवाज निकाल सकता हूँ। छोटू दादा थोड़ा सा निकालिए अपने कोयल का आवाज। देख कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं अब। देखिए आप लोग कैसा निकला छोटू दादा का आवाज, कोयल का आवाज बहुत सुनहरा आवाज निकालते हैं अपन अपने छोटू दादा। ये कौन जानवर है, समझ रहे हो आप? अरे यार ये तो जंगल के उस पार जाने वाले थे, लेकिन बट देखिए बीच में नदी पड़ गया। अब ये हमारे छोटू दादा ही जाएंगे जंगल इस नदी को पार करके। देखते हैं छोटू दादा कैसे जाते हैं। दोस्तों एक नया आप चीज आवाज सुनाना चाहेंगे, मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। आवाज देखिए कैसा आ रहा है, लड़के आ रहा है, रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो आज छोटू दादा पागल हो गए, पता नहीं क्या चीज देख ली, उसी में मत भरन हो गए। वो खाली नाच रहे हैं, दिखाते हैं उनका डांस। अरे नाच रहे पता, देख रहे हैं दोस्तों ये पागल हो गए हैं। मुझे लग रहा है कोई शैतानी हरकत छा लिया इनके ऊपर। देख ये दोस्तों अब क्या होगा कैसे। दोस्तों छोटू दादा नाव भी मंगवा दिए हैं, अभी नाव से ही उस पार जाएंगे हम लोग। तब से वेट कर रहे थे, अभी तक नाव नहीं आया था लेकिन आ गया। और भैया लोग कैसे हैं? भैया इधर ये लगाइए, ये छोटू दादा बैठेंगे। हम फाइनली सैयद बाबा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जोरदार बारिश होने के कारण हम बीच में फंस चुके हैं। देखिए बारिश को दिखा देता हूँ कितना जोरदार बारिश हो रही है। हम लोग बीच में फंस गए, जंगल के बीचों बीच है, बीच में सैयद बाबा पड़ेंगे पे अपना जगह मिलने पे वही रुक गए। हम लोग आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, आज दूसरे बार है ना, दूसरे बार को देखिए कितना भीड़ भी लगता है यहाँ पे। ये जंगल के पीछे बीच में हम लोग हैं, एक दिखाते हैं आप लोग को कैसे क्या है। ऊपरी जो भी होता है, जो भूत प्रेत जो भी टोना टटका होता है, जो पकड़ा रहता है वहीं से टूटता है, आपको दिखाते हैं हम। दोस्तों देखिए कैसे सभी लोग खेल रहे हैं, सब ऊपरी है, सब ऊपरी जो कोना टक्का दिए रहते हैं यहीं से टूटता है, सब परेशान है। ये गन फट कर
तो हम लोग 15 जीत चुके हैं, लेकिन देखते हुए हम लोग फाइनली जंगल में पहुंच चुके हैं। तो जंगल में छोटा सा कुटिया, तो वहीं पर अभी थोड़ा आराम करेंगे, जैसे बारिश शांत होगा तो वैसे निकलेंगे जंगल में। लेकिन आपको जंगल को थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, कैसा व्यू है देखिए दोस्तों। साफ नहीं आ रहा, लेकिन क्वालिटी में साफ करता हूँ। देखिए दोस्तों, चारों तरफ कोई इंसान नहीं दिख रहा है सिवाय हम लोग को सिवाय। लेकिन रिस्क लिए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे।